प्रोमिनेंट वेरी इम्पॉर्टेंट में मेरा नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी कैरेक्टर आपको वेरी यू नो कलरफुल कैरेक्टर ओवर देयर सो आप एक बार जब सीरीज देखेंगे तब आपको पता चलेगा मैं बहुत ज़्यादा वाइड में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी सो इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर सो जब मैंने ये सीरीज़ का नरेशन सुना सो जो मेरा कैरेक्टर है वो मुझे सबसे ज़्यादा इसमें इसलिए पसंद आया क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने का मौका मिलेगा बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी मेरा कैरेक्टर है पॉजिटिविटी भी आपको दिखेगी जब आप स्टार्ट करोगे सीरीज़ देखना तब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इतनी पॉजिटिव लड़की इतनी ज़्यादा नेगेटिव कैसे हो गई इतने ज़्यादा शेड्स हैं उसमें मैं बहुत इनोसेंट भी हूँ मैं पॉजिटिव भी हूँ मैं वहाँ नेगेटिव भी हूँ तो वहाँ मेरे कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा शेड्स एंड कलर्स आपको देखने को मिलेंगे सर प्लीज़ आप बताइए मोनिका जी को कास्ट किया है क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में और जो रोल प्ले करते हैं सर रखिए सर यहाँ ये लाइट जल रही है सी जब हम लोगों ने ये स्क्रिप्ट पार्थो दादा ने नरेट करी हम लोगों को तो एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो खूबसूरत भी हो पर उसके साथ उसकी एक्टिंग उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत कमाल की हो जैसे अभी मोनिका जी ने कहा कि इसमें बहुत सारे शेड्स हैं और बेसिकली वो एक एक्टर की लाइफ जी रही है जो कैरेक्टर है वो एक एक्टर है और एक्टर की लाइफ जी रही है और कैसा वो टर्न इन ट्विस्ट एंड टर्न होता है तो जब हमने इनका ऑडिशन लिया 4 बार 5 बार 6 बार तो हर बार इन्होंने अगली बार से बेहतर ही करके दिखाया सो वी थिंक कि शी इज़ द परफेक्ट कास्ट और इसी हिसाब से हमने इनको कास्ट किया सर प्लीज़ योर इंट्रोडक्शन और बताइए कैसे जुड़े हैं अंकेश भाई प्लीज़ सर कैमरा लोकेशन सर प्लीज़ मैं हम गुजरात से बेसिकली और अभी हमने एक हमारा एक्चुअली दूसरा है वेब सीरीज़ पहला ख़त्म हो गया है और दूसरा अभी चालू है और डिजीफ्लिक्स के साथ हमारा एक हमने स्टार्ट ही डिजीफ्लिक्स के साथ ही किया है और एक पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और एक दूसरा वाला है अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक ठाक ही चल रहा है और तो ये बताइए गुजरात काफ़ी सारे लोग हैं गुजरात के मतलब बिजनेस क्लास के लोग ओटीटी में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या आपको आकर्षित कर रहा है ओटीटी इतना अभी एक्चुअली जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आया तब से लेके अभी इसमें ग्रोथ होना बहुत बाकी है अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है इसलिए हमने बेसिकली वेब सीरीज ओटीटी इसीलिए स्टार्ट किया मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है जैसे फिल्म को कहा था मैंस वर्ल्ड टीवी को वुमेंस वर्ल्ड ओटीटी का बताइए कितना आपको लगता है कि एक्टिबिलिटी को जस्टिस दे सकते हैं ओटीटी जब से आया है तो मुझे लगता है कि जो एक्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं राइट और जिनको एक्टिंग बहुत अच्छे से आती है जो एक्टर्स टैलेंटेड हैं डांसर्स हैं इवन बहुत सारे जो टैलेंट्स हैं उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है सी क्योंकि मूवीज़ जो है एक साल में जितनी भी बनती हो सबको मौका नहीं मिलता लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म इतनी सारी सीरीज़ आ रही है इतने सारे चैनल्स हैं तो वहाँ पे सारे जो भी टैलेंटेड लोग हैं नए फेसेस हैं फ्रेश फेसेस हैं उनको सबको मौका मिलता है ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए चाहे वो वेब सीरीज़ हो मूवीज़ हो शॉर्ट मूवीज़ हो एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज सारी बड़ी मूवीज़ भी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रही है अगर जो थिएटर में नहीं देखने जा सकते हैं आप लोग तो आप ओटीटी पे उसको देख सकते हैं एंड काफ़ी कम बजट में आपको वो मेंबरशिप मिल जाता है उस चैनल का तो आप पूरा महीना भर उसको एंजॉय कर सकते हैं देख सकते हैं सी मैं एक्टिंग में ही हूँ और मैं एक्टिंग ही करूँगी और मैं बिज़नेस में भी हूँ बट बिज़नेस का मैं अभी आप लोगों से कुछ शेयर नहीं करूँगी सो अभी तो मुझे एक्टिंग ही करनी है एक्टिंग में ही मेरा फोकस है पूरा और मुझे 3 साल हो गए इंडस्ट्री में मैंने पंजाबी किया पंजाबी म्यूज़िक वीडियोस किए और हिंदी में मैं जो अभी ये सीरीज़ कर रही हूँ सो मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगी सर को मेरे प्रोड्यूसर को कि इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया कि हाँ मैं इनकी सीरीज़ में एज अ लीड प्ले कर सकती हूँ मेरे डायरेक्टर पार्थो घोष को मेरे चैनल के जो निशांत पटवा जी हैं उनको अवस्थी जी सॉरी उनको थैंक यू कहना चाहूँगी बिकॉज जो डिजीफ्लिक्स ला रहे हैं वो बहुत ग्रैंड लेवल पर ला रहे हैं डिजीफ्लिक्स को इन लोगों ने 2 सेक्शन में डिवाइड किया एक डिजी टॉक और डिजी मूवीज़ डिजी टॉक में जहाँ यूज़र्स आपने जैसे देखा होगा टिकटॉक्स वैसा ही डिजी टॉक ला रहे हैं लेकिन इन्होंने जो डिजीफ्लिक्स लॉन्च किया है वो मेक इन इंडिया नरेंद्र मोदी जी को ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया है डिजीफ्लिक्स को प्लेटफॉर्म जो ये ला रहे हैं तो डिजी टॉक और डिजी मूवीज़ में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ डिजी टॉक में जो भी यूज़र्स जो टैलेंटेड यूज़र्स हैं जो टैलेंटेड यूथ हैं हमारे यहाँ के
तो वो उसमें अपने डांस वीडियोस, एक्टिंग वीडियोस और फूड वीडियोस, काफ़ी सारे वीडियोस वो अपलोड कर सकते हैं। और डिजी मूवीज़ में आपको वेब सीरीज, एंटरटेनमेंट मूवीज़, काफ़ी सारा कंटेंट उसमें देखने को मिलेगा।